तो भाई ये है एक वायरलेस टाइप का माइक्रोफोन जो कि हमने मंगाया है वीडियोस के लिए। और भाई आपको पता है कि वीडियो क्वालिटी इतनी इंपॉर्टेंट होती है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ऑडियो क्वालिटी, क्योंकि अगर आप कोई चीज बोल रहे हैं और वो चीज क्लियर डिलीवर हो रही थी, सबसे ज्यादा बेस्ट वही चीज है। और अभी करंट डेट की अगर हम बात करें तो अभी तक मैं यूज कर रहा था स्टूडियो के अंदर एक वायर टाइप का माइक्रोफोन, और इन स्टूडियो ये चीज यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और यहाँ पे मेरे पास है बोया का BY-M1 जो कि काफी पॉपुलर माइक रहा है। लेकिन अगर हम बात करें आउटडोर्स की भाई, तो वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है अगर आप थोड़ा दूर से शूट कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कि जो वायर की लेंथ है वो उतनी ज्यादा ना हो, या फिर बीच में रोड हो और गाड़ियां वाले जा रही है आपके तारे तोड़ के ले जाए, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी और ये चीज इसीलिए हमने मंगाई है। तो चलिए देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें इसके पर्टिकुलर मॉडल नंबर की, तो ये है बोया का एक वायरलेस माइक्रोफोन जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। और भाई ये एक डुअल चैनल माइक्रोफोन सिस्टम है। बाकी अगर हम बात करें पर्टिकुलर मॉडल नंबर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं BY-XM6S1, यहाँ पे एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर आपको मिलता है। अगर आप S2 मॉडल नंबर लेंगे तो वहाँ पे आपको दो ट्रांसमीटर और एक रिसीवर देखने को मिलते हैं। तो अगर आप पॉडकास्ट वगैरह करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप उस टाइप के माइक्रोफोन को ले सकते हैं लाइक इंटरव्यू वगैरह में, तो वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। बाकी यहाँ पे 100 मीटर्स तक इसकी रेंज है जो कि यहाँ पे मेंशन की गई है, और 7 आवर्स का रन टाइम है, मतलब एक बार आप चार्ज करेंगे तो 7 घंटे तक आप इसको यूज कर सकते हैं। बाकी एक टाइप सी का पोर्ट दिया गया है जिसके थ्रू आप चार्ज कर सकते हैं इस माइक्रोफोन को। और यहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है बॉक्स के पीछे, जैसे कि आपको OLED टाइप का डिस्प्ले देखने को मिलता है इसके अंदर, और 2.4 GHz की फ्रीक्वेंसी है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। रियल टाइम हेडफोन मॉनिटरिंग भी यहाँ पे आपको मिल जाती है, तो अगर आप देख रहे हैं कि भाई कोई चीज़ रिकॉर्ड आप कर रहे हैं तो वो चीज़ एक्चुअल में कैप्चर हो रही है इसके अंदर की नहीं, तो आप उसको रियल टाइम मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये एक फीचर मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। और जब तक मैं इस बॉक्स को ओपन करता हूँ तब तक आप सब्सक्राइब करिए और लाइक भी कर देना। तो बात कर लेते हैं बॉक्स की। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको देखने को मिलेंगे कुछ पेपर वर्क, जहाँ पे आपको कुछ स्टिकर देखने को मिलते हैं सबसे पहले बोया के, और इसको आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे वारंटी इन्फॉर्मेशन मिलती है और एक बड़ी सी यूज़र मैनुअल मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेगा एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर, यहाँ पे मेंशन किया गया है TX और RX करके। तो यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं और ये कुछ इस तरीके से है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है और काफ़ी लाइट वेट है। साथ में आपको एक एसेसरी के लिए किट मिलती है। इसके अंदर देखते हैं भाई क्या कुछ है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक केबल मिलेगी विच इज़ Type-A to Type-C। साथ में मिलता है आपके DSLR में कनेक्ट करने के लिए एक 3.5 mm का केबल, और साथ में भाई एक्सटर्नल माइक्रोफोन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे स्मार्टफोन से कैसे कनेक्ट करेंगे आप, तो यहाँ पे भी एक केबल मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे एक पाउच दिया गया है जो कि हल्का लेदर टाइप का है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। एक आपको मिलता है विंड फिल्टर जिसका आप यूज़ कर सकते हैं नॉइज़ सप्रेस करने के लिए, और साथ में माइक में लगाने के लिए एक पॉपअप फिल्टर। अभी गाइज यहाँ पे देखेंगे आप दोनों को तो बिल्कुल सेम साइज़ के आपको देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे मेंशन किया गया है RX और TX, इससे इंडिकेट ये होगा कि आपका ट्रांसमीटर कौन सा है और रिसीवर कौन सा है। बाकी अगर हम बात करें डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन बिल्कुल सेम है। 3 यहाँ पे स्विच आपको मिल जाते हैं, जो पहला है वो है पावर बटन का, और इसी के थ्रू आप म्यूट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप गेन को प्लस और माइनस कर सकते हैं कि आपकी जो ऑडियो है वो कितना ज़्यादा कैप्चर करना है या फिर कितना कम कैप्चर करना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप कहीं विंडी कंडीशन में तो आप ऑडियो गेन को थोड़ा कम रखेंगे तो आपका जो नॉइज़ है वो ये सप्रेस कर देगा, तो ये एक इसका एडवांटेज होता है। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ देखने को मिल जाती है, पावर बटन है और सेम बटन से आपका म्यूट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे प्लस और माइनस, और इसके साइड में आपको देखने को मिल जाता है एक टाइप सी पोर्ट जहाँ पे जो रेटिंग है वो है 5V 1A की, तो इसके थ्रू आप इसको चार्ज कर पाएंगे। अगर हम बात करें इसके बैक पोर्शन की, तो यहाँ पे आपको क्लिप देखने को मिल जाती है जहाँ पे बोया की ब्रांडिंग है, और नीचे डॉक करने के लिए आपको सिस्टम देखने को मिल जाती है 3 डॉट्स है, बट आपके केस ये काम नहीं आएगा क्योंकि आपके पास यहाँ पे टाइप सी पोर्ट है, उसके थ्रू बड़े आराम से चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका मेन माइक्रोफोन है उसके अंदर आप टॉप पोर्शन में देखेंगे तो एक माइक का इनपुट देखने को मिलता है, माइक्रोफोन इसी के अंदर फिट किया गया है। और अगर आपको एक्सटर्नल माइक्रोफोन लगाना है तो इसके लिए भी यहाँ पे आपको 3.5 mm का जैक देखने को मिलता है, और इसके लिए माइक्रोफोन आपको बॉक्स में दिया गया है, वो चीज़ यहाँ पे आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे रिसीवर के टॉप पोर्शन में आपको देखने को मिलता है एक लाइन आउट का पोर्ट जो कि आपके DSLR में या फिर आपके स्मार्टफोन के अंदर फिट होगा, और साथ में दिया गया है एक हेडफोन जैक जहां से आप अपने ऑडियो को रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये है कुछ फिजिकल ओवरव्यू। और अगर हम बात करें इसके वेट की, तो काफी लाइट वेट है, कोई ऐसे बहुत भारी नहीं है, बिल्कुल आराम से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब गाइस ये वाला जो पार्ट है वीडियो का, ये सबसे मेन पार्ट है क्योंकि अब हम टेस्ट करने वाले हैं इस माइक्रोफोन की ऑडियो क्वालिटी। तो चलिए चेक करते हैं।
ओके, तो अभी हमने लगा लिया है ये वाला माइक्रोफोन और अभी जो ऑडियो आप सुन पा रहे हैं वो इसी माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। और आप लोग बताना कि आपको इसके पहले वाली क्वालिटी कैसी लग रही थी जो कि एक वायर्ड वाले माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही थी और अभी ये बोया के वायरलेस माइक से रिकॉर्ड हो रही है। और यहाँ पर हम इसको निकाल लेते हैं और सामने अगर आप रख के रिकॉर्ड करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की क्वालिटी देखने को मिलेगी। और ये वाली जो ऑडियो है इसको हमने कुछ भी एडिट वगैरह नहीं किया है, बिल्कुल रॉ ऑडियो जो है वो आपको सुनाई दे रही है। अभी गाइस यहाँ पे हम बात करें तो ये वाला जो कैट फिल्टर है इसको हमने लगा लिया है और इसको लगाने के बाद डेफिनेटली आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा, स्पेशली अगर आप बाहर रिकॉर्ड करेंगे आउटडोर के अंदर तो आपको थोड़ा सा क्वालिटी में ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, नॉइस कम रिकॉर्ड करेगा। तो भाई अभी जो ऑडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये एक्सटर्नल माइक्रोफोन के थ्रू कर रहे हैं और यहाँ पे हमने इसको प्लग किया है ट्रांसमीटर के अंदर, यहाँ पे ये वाला माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है, इस माइक्रोफोन से ऑडियो कैप्चर हो रही है तो ऑडियो में आपको थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा होगा। और बताना, इसमें एक एडवांटेज भी है कि अगर आप इसको थोड़ा सा, ये हैवी है, अगर आप इसको यहाँ नहीं लगा सकते तो कहीं भी आप अपने पॉकेट के अंदर रख सकते हैं या फिर कहीं भी आप इसको क्लिप से लगा सकते हैं। सो गाइस आप रिकॉर्ड करेंगे इसकी ऑडियो हम आउटडोर के अंदर, चलिए देखते हैं कि आउटडोर में ये माइक्रोफोन कैसा काम करता है और कितना नॉइज़ वगैरह कैप्चर करता है या फिर नहीं करता, और साथ साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसकी जो रेंज है वो कितनी है। तो भाई अभी आ चुके हैं आउटडोर के अंदर और अभी जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो इसी माइक के थ्रू हो रही है और आप देख सकते हैं कि क्वालिटी आपको कैसी मिल रही है। और यहाँ पे एक डेड कैट फिल्टर भी मिला है तो इसको भी हम लोग लगाएंगे और देखेंगे। तो ये वाली ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है ये डेड कैट फिल्टर लगाने के बाद में, आई होप कि आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। अब गाइस यहाँ पे चेक करेंगे कि ये जो माइक्रोफोन है कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ और देखते हैं। हालांकि इसकी रेंज जो है वो 100 मीटर्स की है भाई, तो चलिए चेक करते हैं और देखते हैं आवाज़ कहाँ तक आती है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पे मेंटेन हो चुकी है और लगभग से मैं आ चुका हूँ 25-30 मीटर है, लाइक अभी मैं 70-80 मीटर्स पे हूँ, तो आपको कुछ इस तरीके की ऑडियो देखने को मिलेगी। आई होप कि ऑडियो में कोई ड्रॉप ना हो और ये चीज़ मुझे अभी पता नहीं है, एडिट करेंगे तो पता चलेगा। तो भाई यहाँ पे आप बात करते हैं कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है या फिर मुझे कैसी लगी, क्या आपको ये माइक्रोफोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो जितना भी मैंने देखा है यार, प्राइस रेंज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, आप ज़रूर से इस माइक्रोफोन को ले सकते हैं। मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई, चाहे हम बात करें इनडोर की या फिर आउटडोर की, इवन मैंने आपको हर एक कंडीशन के अंदर आपको सुनाई है इसकी ऑडियो, तो आप खुद से जज कर सकते हैं यार कि आपको इसकी ऑडियो कैसी लगी। और इसके पहले भी हमने बहुत सारे वायर्ड वाले, वायरलेस वाले और ने भी पॉडकास्ट वाले माइक्रोफोन्स होते हैं सबको हमने यूज़ किया है, लेकिन गाइज इसकी जो आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं देगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपके मिड हैं या फिर जो बेस है हल्का वॉइस में, वो भी ये चीज़ कैप्चर करता है और ऐसे माइक्रोफोन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। अभी गाइज बात करते हैं कि इसकी प्राइसिंग क्या है। तो जब मैंने चेक किया था अमेजोन के ऊपर तो लगभग से इसका प्राइस दिखा रहा था 11,999, तो 11,000 से 12,000 के आसपास ये माइक्रोफोन आपको देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा तो आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको दो ट्रांसमीटर चाहिए तो आप वो वाला भी मॉडल देख सकते हैं जहां पे आप इंटरव्यू या फिर पॉडकास्ट वगैरह कर सकते हैं, वो वाला थोड़ा सा ज्यादा कॉस्ट करेगा, लगभग से 15,000 से 16,000 रुपए के आसपास, उसका भी लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस ये था कंप्लीट वीडियो जहां पे हमने बात की इस माइक्रोफोन के बारे में और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। भाई अगर अच्छा लगा तो यार लाइक कर दो और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।